मॉर्निंग मैम. बेटा अपसरना गरिमा, अभी स्टार्ट करते हैं. देखो अभी बार बार डिस्कनेक्ट कैसे हो रही है? पता नहीं अभी कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आई दिखती है. अभी मैं एक बार आपको धीरे धीरे स्टार्ट भी कर देती हूँ और कनेक्ट भी करती जाऊंगी बेटा, क्योंकि 11 बजे स्टार्ट कर देंगे इसको. सर जी लगे आप तो पहले भी कनेक्ट हो गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया, गरीब हो गया, सभी आ गए थे, अटेंडेंस तो लगा ही देंगे. अभी मैं इसका जब तक आपको बताती हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलर्जी नीला और इसके रूट के बारे में बात करते हैं. वापिस से रिपीट कर लेंगे अफसाना और गरिमा और को भी. जड़ की आंतरिक संरचना सरल होती है तथा जड़ की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं. तो बेटा जड़ की सिलाजिला की जड़ का जब हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स भाग दिखाई देते हैं? पहला है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा. तो ये सबसे बाहरी एकल स्तरीय परत होती है और इसकी कोशिकाएं स्पर्श रेखीय रूप से दीर्घित होती हैं. कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं रूट हेयर बनाती हैं. अब अपन बात करते हैं कॉर्टेक्स की. तो इसके कॉर्टेक्स की कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त पेरेनकाइमेटस सेल से निर्मित होती हैं. कुछ जातियों में कॉर्टेक्स के बाहरी क्षेत्र में एक अथवा दो स्तरीय स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाई जाती है. तो सिलाजिनेला सिलाजिनोइडस में कॉर्टेक्स की पेरेनकाइमी कोशिकाओं में कवक मूल माइकोराइजा भी पाया जाता है और कॉर्टेक्स की भीतरी परत एंडोडर्मिस बनाती है. अब बात करते हैं रंभ की, मतलब जो रंभ है स्टील है वो सिलाजिला की रूट में कैसी दिखाई देती है. तो जड़ के केंद्रीय भाग में एक प्रोटोस्टील ठोस रंभ होती है. रंभ के बाहरी क्षेत्र में 1 से 3 स्तरीय पेरेनकाइमी पेरिसाइकिल होती है. रंभ के केंद्रीय भाग में स्थित जाइलम एक आदिदारुक होता है, मोनार्क होता है तथा एक्सार्च होता है, बहिर आदिदारुक होता है. जाइलम के चारों ओर फ्लोएम का वलय पाया जाता है. अब अपन बात करते हैं सिलाजिला के राइजोफोर की. तो राइजोफोर की आंतरिक संरचना जड़ की आंतरिक संरचना के लगभग समान होती है, परंतु जड़ व राइजोफोर के वातावरण में भिन्नता के कारण इसकी आंतरिक संरचना में जड़ से कुछ भिन्नता पाई जाती है. तो क्या मिलता है जब राइजोफोर का सेक्शन अपन देखते हैं, अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो एपिडर्मिस बाह्य त्वचा कैसी होती है? मतलब यह जड़ के समान एकल स्तरीय परत होती है, सिंगल लेयर्ड है. कौन? एपिडर्मिस. और इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति क्यूटिकल की एक मोटी परत से ढकी हुई रहती है. राइजोफोर की एपिडर्मिस में जड़ के समान मूलरोम नहीं पाए जाते हैं. तो जड़ में तो देखा था अपन ने रूट हेयर पाए जाते हैं, लेकिन राइजोफोर की एपिडर्मिस में मूलरोम रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं. अब अपन राइजोफोर के कॉर्टेक्स को देखते हैं तो पाएंगे एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक मल्टीलेयर्ड बहुस्तरीय स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है. कॉर्टेक्स का भीतरी भाग पेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ होता है. तो जो आउटर कॉर्टेक्स है बेटा वो तो स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस कहलाता है और जो इनर पार्ट है किसका? कॉर्टेक्स का, बल्कुट का, वो पेरेनकाइमी मतलब पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ होता है. तो जड़ के समान राइजोफोर में भी कॉर्टेक्स की भीतरी परत एंडोडर्मिस में विभेदित होती है.
तो अब मैं बात करती हूँ स्टील की, रंब। तो अधिकांश जातियों में राइजोफोर का रंब जड़ के समान एक आदिदारुक होता है, मतलब मोनार्क होता है, तथा एक्सार्च होता है, बहिर आदिदारुक होता है। परंतु कुछ जातियों में जैसे कि सिलेजिनेला एट्रोविरिडिस में मेटाजाइलम अर्धचंद्राकार होता है। अपन जानते हैं तो जाइलम होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम जो है सिलेजिनेला एट्रोविरिडिस में अर्धचंद्राकार होता है तथा इसकी अवतल सतह पर अनेक प्रोटोजाइलम संपूल पाए जाते हैं। सिलेजिनेला क्रोसियाना में जाइलम अपकेंद्रीय होता है, मींस जाइलम इज सेंट्रीफ्यूगल, अर्थात केंद्रीय मेटाजाइलम के चारों ओर प्रोटोजाइलम का एक वलय पाया जाता है। हाँ बेटा, तो आप लोगों ने क्या देखा कि अब अपन बात कर रहे हैं स्टेम की, मतलब स्तंभ की। तो स्तंभ की आंतरिक संरचना जड़ की अपेक्षा अधिक जटिल होती है, और जब हम स्तंभ का अनुप्रस्थ परिच्छेद काटते हैं तो कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं बेटा? एक तो है एपिडर्मिस, दूसरा है कॉर्टेक्स, तीसरा है स्टील, और चौथा आपका आ जाएगा, मतलब वही स्टील में वेस्कुलर बंडल। तो पहली बात करते हैं स्टेम में एपिडर्मिस। भाई ये त्वचा कैसी होती है? ये सबसे भारी एक कोशिका। ये बार बार डिस्कनेक्ट कैसे हो रहा है बेटा? बेटा आपकी क्लास कब है? फ्री कब है? शालू पिजापन दी तुम्हें ना, इसके बाद कब है बेटा? गरिमा चौधरी आपको कब तक क्लासेस है आपकी? हाँ बेटा बोलो, कोई कब तक क्लासेस है आपकी? आज कितने बजे तक क्लास है आपकी? अनम्यूट करो बेटा। नीतू मीना कब तक क्लास है? 10:40 तक है ना, तो अपन 11 बजे ले लें आपकी क्लास फिर, क्योंकि अभी तक तो मैं 11 बजे ले लेती हूँ, फिर 10:40 तक ही है ना। नहीं ये भाई लास्ट क्लास कब है आपकी? आज लास्ट क्लास कब है? 10:45 से 11:25। नहीं नहीं बीएड वगैरह की सब मिला के। हाँ मैम बीएड की 11:25। नहीं कितने बजे तक क्लास लास्ट है आपकी? 10:30 तक, 11 तक, 11:30 तक। हाँ 11:30। तो 12 बजे मैं ले लूँ आपकी क्लास? 11:30 से ले लें, 11:30 से 12:15, क्योंकि अभी तो डिस्काउंट हो रहा है। अभी लेके आप देखते हैं, डिस्काउंट होगा तो मैं मैसेज कर दूंगी, तो 11:30 पे ले लेंगे आपकी क्लास, ठीक है ना? अगर क्योंकि अमित सर को भी कर दूंगी और आप लोगों को भी कर दूंगी। अभी एपिडर्मिस की बात करते हैं स्टेम की, ठीक है? तो ये सबसे भारी एक कोशिका मोटी परत होती है, तो सभी को मैं कर दूंगी मैसेज। तो एपिडर्मिस स्टेम की कैसी होती है? सबसे भारी एक कोशिका मोटी परत होती है। इन कोशिकाओं की बाह्य भित्ति क्यूटिकल की एक मोटी परत से ढकी हुई होती है। तो एपिडर्मिस में रंध्र अथवा किसी, हाँ बेटा फिर डिस्कनेक्ट हो गया था ये, एक को एडमिट कर दू मनीषा देनवाल, ठीक है? अब एपिडर्मिस की बात कर रहे थे, ये सबसे भारी एकल स्तरीय परत होती है। इन कोशिकाओं की मोटी भित्ति क्यूटिकल की एक मोटी परत से ढकी हुई होती है। तो एपिडर्मिस में रंध्र अथवा किसी प्रकार के रोम नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेम के कॉर्टेक्स के बारे में। तो अधिकांश जातियों में कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है। ये कोशिकाएं कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित होती हैं तथा उनमें अंतरकोशिक अवकाश इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि सिलेजिला रूपेस्ट्रिस व सिलेजिला लेपिडोफिला आदि मरुद्भिद जातियों में कॉर्टेक्स के बाहरी क्षेत्र में स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स पाया जाता है, या स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाई जाती है। इन जातियों में कभी कभी कॉर्टेक्स पूर्णतः डढ़ोतकी होता है। अब अपन बात करते हैं रंभ की। तो स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित रंभ व कॉर्टेक्स के बीच विशेष प्रकार की
एंडोडर्मल सेल्स पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं अरीय रूप से दीर्घित होती हैं तथा इन्हें ट्रेबेक्यूले कहते हैं। इन कोशिकाओं के बीच बड़े अंतर कोशिक या अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं। तो ट्रेबेक्यूली कोशिकाओं की अरीय भित्तियों में एंडोडर्मल सेल्स के समान स्थूलन पाए जाते हैं। स्लेजला की मरुद्भिद जातियों में ट्रेबेक्यूली नहीं पाई जाती हैं। तो स्लेजला की विभिन्न जातियों के स्तंभ में रंभों की संख्या में विविधता देखी गई है, जैसे कि स्लेजला स्पाइनुलोसा में केवल एक ही रंभ पाया जाता है, जबकि स्लेजला लेविगेटा में रंभों की संख्या 16 तक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक ही पौधों के विभिन्न भागों में भी रंभ की संख्या में असमानता हो सकती है, जैसे कि स्लेजला ब्राउनी की क्रीपिंग ब्रांचेस में केवल एक ही रंभ होता है। इसी प्रकार स्लेजला लाइली की बीसर्पी शाखाओं में दो रंभ होते हैं, जबकि उधर शाखाएं बहुरंभी होती हैं। तो प्रत्येक रंभ एक सुस्पष्ट एकल स्तरीय या एक स्तरीय परिरंभ सिंगल लेयर पेरिसाइकिल से आच्छद होता है। जिन जातियों में केवल एक रंभ पाया जाता है उनका जाइलम डायार्क तथा बहिर आदिधारुक होता है, परंतु जब रंभों की संख्या दो अथवा अधिक होती है तो प्रत्येक रंभ का जाइलम एक आदिधारुक तथा बहिर आदिधारुक हो जाता है। बेटा वापिस रिपीट करती हूँ मैं। स्लेजना की आंतरिक संरचना, तो इसके रूट की संरचना देखते हैं। तो जड़ की आंतरिक संरचना अत्यधिक सरल होती है। जब हम स्लेजला की जड़ का अनुप्रस्थ काटते हैं तो उनमें कुछ निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। पहला है एपिडर्मिस, इसको धीरे धीरे बोलूंगी। ये सबसे बाहरी एकल स्तरीय परत होती है। इसकी कोशिकाएं स्पर्श रेखीय रूप से दीर्घित होती हैं। कुछ एपिडर्मल सेल्स रूट हेयर बनाती हैं। अब आता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स पतली भित्ति युक्त पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना होता है। कुछ जातियों में कॉर्टेक्स के बाहरी क्षेत्र में एक अथवा दो स्तरीय स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस पाई जाती है। स्लेजिनेला स्लेजिनोइडिस में कॉर्टेक्स की पेरेन्काइमेटस सेल्स में कवक मूल पाया जाता है। तो कॉर्टेक्स की भीतरी परत एंडोडर्मिस बनाती है। तीसरा है स्टील, जो कि रूट के वायर का स्टील। तो जड़ के केंद्रीय भाग में एक प्रोटोस्टील पाया जाता है, ठोस रंभ पाया जाता है। रंभ की भारी क्षेत्र में एक से तीन स्तरीय पेरेन्काइमेटस परिरंभ पेरिसाइकिल होता है। वह रंभ के केंद्रीय भाग में स्थित जाइलम मोनार्क होता है, एक आदिधारुक होता है तथा एक्सार्च होता है, बहिर आदिधारुक होता है। तो जाइलम के चारों ओर फ्लोएम का वलय रिंग पाया जाता है। तो ये तो हुई रूट की बात। अब अपन लेते हैं स्लेजिला के राइजोफोर की बात। तो राइजोफोर की आंतरिक संरचना जड़ की आंतरिक संरचना के समान होती है, लेकिन जड़ व राइजोफोर के वातावरण में भिन्नता के कारण इसकी आंतरिक संरचना में जड़ से कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। पहला लेते हैं राइजोफोर में एपिडर्मिस कैसी होती है। तो यह जड़ के समान एकल स्तरीय परत है। इन कोशिकाओं की बाह्य भित्ति क्यूटिकल की एक मोटी परत से ढकी रहती है। राइजोफोर की बाह्य त्वचा में जड़ के समान मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है कॉर्टेक्स किसका, राइजोफोर का। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक बहुस्तरीय स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। कॉर्टेक्स का भीतरी भाग पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। तो जड़ के समान
राइजोफोर में भी कॉर्टेक्स की भीतरी परत एंडोडर्मिस में विभेदित होती है। अब बात करते हैं स्टील की, तो अधिकांश जातियों में राइजोफोर का रंभ जड़ के समान एक आदिदारुक मोनार्क तथा बहिर आदिदारुक एक्सार्च होता है, लेकिन कुछ जातियों में जैसे कि स्लेजिनेला एट्रोविरिडिस में मेटाजाइलम अर्धचंद्राकार होता है तथा इसकी अवतल सतह पर अनेक प्रोटोजाइलम संपूल होते हैं। स्लेजिनेला क्रोसियाना में जाइलम सेंट्रीफ्यूगल होता है, अर्थात केंद्रीय मेटाजाइलम के चारों ओर प्रोटोजाइलम का एक वलय होता है। अब मैं बात करती हूँ स्टेम की, कौन सा स्टेम ऑफ स्लेजिनेला। तो हम देखते हैं स्तंभ की आंतरिक संरचना जड़ की अपेक्षा जटिल होती है। अब जब हम स्तंभ का स्टेम का अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो कुछ भाग दिखाई देते हैं, वो कौन कौन से भाग हैं? पहला है बेटा एपिडर्मिस, तो ये सबसे बाहरी एक कोशिका मोटी परत है। इन कोशिकाओं की बाह्य भित्ति क्यूटिकल की एक मोटी परत से ढकी होती है। बाह्य त्वचा में रंध्र अथवा किसी प्रकार के रोम नहीं पाए जाते हैं। सेकेंड है कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, तो अधिकांश जातियों में कॉर्टेक्स पेरेन्काइमी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। ये कोशिकाएं कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित होती हैं तथा उनमें अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं अंतराकोशिक अवकाश नहीं पाए जाते हैं, लेकिन स्लेजिनेला रुपेस्ट्रिस व स्लेजिनेला लेपिडोफाइला आदि जीरोफिटिक स्पीसीज में कॉर्टेक्स के बाहरी क्षेत्र में स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस पाई जाती है। इन जातियों में कभी कभी कॉर्टेक्स स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। अब बात करते हैं स्टील की, स्टील ऑफ स्टेम, तो स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित रंभ व कॉर्टेक्स के बीच विशेष प्रकार की एंडोडर्मल सेल्स पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं अरीय रूप से दीर्घित होती हैं तथा इन्हें ट्रेबिक्यूली कहते हैं। इन कोशिकाओं के बीच बड़े अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं, तो ट्रेबिक्यूली कोशिकाओं की अरीय भित्तियों में अंतस्त्वचीय कोशिकाओं के समान थिकनिंग्स पाए जाते हैं। स्लेजिला की विभिन्न जातियों के स्तंभों में स्टील्स की संख्या में विविधता पाई जाती है, जैसे कि स्लेजिनेला स्पाइनुलोसा में केवल एक ही रंभ स्टील पाया जाता है, जबकि स्लेजिनेला लेविगेटा में रंभों स्टील्स की संख्या 16 तक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक ही पौधे के विभिन्न भागों में भी स्टील की संख्या में असमानता हो सकती है, जैसे कि स्लेजिनेला ब्राउनी की क्रीपिंग ब्रांचेस बिसर्पी शाखाओं में केवल एक ही रंभ पाया जाता है। इसी प्रकार स्लेजिनेला लाइली की बिसर्पी शाखाओं में दो रंभ स्टील्स होते हैं, जबकि ऊर्ध्व शाखाएं पॉलीस्टीलिक होती हैं। तो प्रत्येक रंभ स्टील एक एकल स्तरीय परिरंभ सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल से आच्छेद होता है। जिन जातियों में केवल एक रंभ पाया जाता है उनका जाइलम दी आदिदारुक डायार्क तथा
बहिर आदिदारक होता है, परंतु जब रंभों की संख्या दो अथवा अधिक होती है तो प्रत्येक रंभ का जाइलम एक आदिदारक मोनार्क तथा बहिर आदिदारक होता है। तो सिलाजनेला के स्तंभ की मेटाजाइलम वाहिनिकाओं में सीढ़ी नुमा स्थूलन तथा प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं में कुंडलित स्थूलन हेलिकल थिकनिंग्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सिलाजिला की पत्ती के बारे में, लीफ के बारे में। तो पत्ती की अनुप्रस्थ परिच्छेद में सुस्पष्ट अभ्यक्ष तथा अपाक्ष बाह्य त्वचा, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, पर्ण मध्योतक, मेसोफिल तथा वैस्कुलर बंडल दर्शित होते हैं। अब बात करते हैं एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। तो बाह्य त्वचा कैसी होती है? पत्ती के आंतरिक ऊतक एक सुस्पष्ट ऊपरी तथा निचली एपिडर्मिस से बंधे होते हैं। दोनों एपिडर्मिस मींस अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस एक स्तरीय होती हैं, सिंगल लेयर्ड होती हैं तथा इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो सिलाजिनेला की पत्तियों में स्टोमेटास पाए जाते हैं, तो जो निचली ऊपरी अथवा दोनों सतहों पर वितरित होते हैं। अब बात होती है मेसोफिल की, पर्ण मध्योतक। तो निचली तथा ऊपरी एपिडर्मिस के बीच स्थित ऊतक मेसोफिल पर्ण मध्योतक कहलाता है। सिलाजिनेला में पर्ण मध्योतक अनडिफरेंशिएटेड होता है, अविभेदित होता है। इसकी कोशिकाओं के बीच अनेक बड़े अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं। कभी कभी पत्ती की ऊपरी सतह की ओर पैलिसेड कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। तो पर्ण मध्योतक मेसोफिल की सभी कोशिकाओं में प्यालेनुमा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तथा प्रत्येक कोशिकाओं में इनकी संख्या 1 से 8 तक होती है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में अनेक तरकु रूपी पायरिनोइड सदृश स्पिंडल शेप्ड पायरिनोइड लाइक संरचनाएं होती हैं। लास्ट अपन बात करते हैं वैस्कुलर बंडल ऑफ द लीफ, संवहन पूल। प्रत्येक पत्ती के केंद्र में पूल आच्छद बंडल शीट से घिरा एक समकेंद्री संवहन पूल पाया जाता है। संवहन पूल के केंद्रीय भाग में जाइलम होता है जो केवल वाहिनिकाओं से बना होता है। वाहिनिकाओं में वलयाकार अथवा सर्पिल स्थूलन पाए जाते हैं। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम का एक वलय होता है। अब बात कर रही हूँ बेटा राइजोफोर की आकृतिक प्रकृति, मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर। तो राइजोफोर की स्थिति तथा संरचना असाधारण होने के कारण इसकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर मतलब इसकी आकृतिक प्रकृति विवादास्पद रही है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार राइजोफोर एक जड़ है, एक रूट है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार राइजोफोर एक शाखा ब्रांच है। तो दोनों विचारधाराओं के अतिरिक्त कुछ वैज्ञानिकों जैसे बॉवर, गोबल आदि के अनुसार राइजोफोर की प्रकृति जड़ व स्तंभ के बीच की है। वे इसे ऑर्गन सुई जनरस मानते हैं। तो अपन किसकी बात करते हैं, राइजोफोर एक जड़ है। अब क्यों जड़ है, क्वेश्चन आता है राइजोफोर इज ए रूट, तो आप क्या दोगे? वॉन टिगम के अनुसार या वेस्टर वेस्टीव के अनुसार राइजोफोर एक जड़ है क्योंकि ये अंग मतलब राइजोफोर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक
धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, इनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। तीसरा है, इनकी आंतरिक संरचना जड़ के समान होती है, राइजोफोर जड़ के समान एक रंभीय होते हैं, जबकि अधिकांश जातियों के स्तंभ बहुरंभीय होते हैं। चौथा है, वेबस्टर वेस्टीप के अनुसार राइजोफोर में स्पष्ट मूल आच्छद रूट कैप की उपस्थिति के आधार पर इसे एक जड़ माना गया। अब पांचवा है, वॉक हॉक एवं सुसेक्स के अनुसार राइजोफोर में ऑक्सिन अभिगमन ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट जड़ की तरह ही होता है, अतः इस आधार पर उन्होंने इसे जड़ माना। अब अपन बात करते हैं, राइजोफोर इज ए स्टेम, राइजोफोर एक स्तंभ है। तो ब्रुकमैन तथा कसिक के अनुसार राइजोफोर जड़ की अपेक्षा स्टंभ से, मतलब स्टेम से अधिक समानता दर्शाता है। उनका यह मत कुछ तथ्यों पर आधारित है। जैसे पहला पॉइंट है, राइजोफोर में रूट कैप व रूट हेयर का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट है, इनका राइजोफोर इनका उद्भव बहिर्जात होता है, एक्सोजीनस होता है, जबकि जड़ों का उद्भव अंतर्जात एंडोजीनस होता है। तीसरा पॉइंट है, राइजोफोर का विकास एंगल मेरिस्टम से होता है। तो कसिक के अनुसार कोणीय मेरिस्टम एक एम्ब्रियोनिक शूट है, अतः आकृतिक आधार पर राइजोफोर भी एक स्तंभ है। चौथा पॉइंट है, फोस्टर एंड गिफोर्ड के अनुसार नियंत्रित कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में राइजोफोर को फोलियर शूट में विकसित किया जा सकता है, अतः ये एक स्तंभ है। गाबिल तथा बॉबर के अनुसार राइजोफोर ना तो एक स्तंभ है और ना ही एक जड़ है। इन्होंने इसे ऑर्गन सुजेनेरिस कहा। इस विचारधारा की अनेक वैज्ञानिकों द्वारा आलोचना की गई। अधिकांश आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि राइजोफोर एक जड़ है। तो अपन ने इस तरह से आज राइजोफोर के मतलब आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करी। अब लेंगे रिप्रोडक्शन जनन। तो सिलाजिला के बीजाणुद्भिद में जनन दो विधियों से होता है। एक तो है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, बीजाणुओं द्वारा जनन। तो कायिक जनन के बारे में बता देती हूँ आज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन सिलाजिनेला में कैसे होता है? तो सिलाजिनेला की विभिन्न जातियों में कायिक प्रवर्धन ट्यूबर पत्र प्रकलिकाओं बल्बिल्स व डोरमेंट बर्ड्स तथा खंडन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। क्या होता है बेटा, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में सिलाजिनेला रूपेस्ट्रिस की शयान शाखाओं से जड़ें विकसित होती हैं। कुछ समय बाद या पश्चात जड़ युक्त शाखाएं मात्र पौधों से अलग हो जाती हैं तथा एक नए पौधे के रूप में विकसित होती है। इस विधि द्वारा जनन अधिक नम स्थानों पर उगने वाले पौधों में होता है। इसी प्रकार सिलाजिनेला क्राइसोराइजोस तथा सिलाजिनेला क्राइसोकोलस आदि कुछ जातियों में कायिक प्रवर्धन कंदों ट्यूबर्स अथवा बल्बिल्स के द्वारा होता है। सिलाजिनेला क्राइसोकोलस में कंदों का विकास वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर होता है, जबकि सिलाजिनेला क्राइसोराइजोस में कंद भूमिगत होते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में कंद अंकुरित होकर एक नया पौधा बनाते हैं। सिलाजिनेला क्राइसोकोलस
की कुछ वायवीय शाखाओं में सुसुप्त कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में नया पौधा बनाती हैं। अब अपन बात करते हैं बीजाणुओं द्वारा जनन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन सिलैजिनेला। तो सिलैजिनेला का पादप काय बीजाणुभित होता है, मतलब द प्लांट बॉडी ऑफ सिलैजिनेला इज स्पोरोफिटिक इन नेचर। इसमें उत्पन्न बीजाणु अंकुरित होकर गेमेटोफाइट बनाते हैं। तो नर तथा स्त्री युग्मकों का निर्माण गेमेटोफाइट में विकसित फुंधानियों तथा स्त्री धानियों में होता है। तो कहने का मतलब है जो सिलैजिनेला है वो एक विषम बीजाणु वंश है, हेट्रोस्पोरस वंश है। अब विषम बीजाणु से आप क्या समझते हो कि इसमें सिलैजिनेला में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के बीजाणु हैं? मेगास्पोर गुरु बीजाणु तथा लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर। तो बीजाणुओं का निर्माण निश्चित बीजाणु धानियों में होता है, जैसे कि लघु बीजाणु धारण करने वाली बीजाणु धानी को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में लघु बीजाणु धानी में अनेक माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। गुरु बीजाणु धारण करने वाली बीजाणु धानी को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। इसमें केवल चार गुरु बीजाणु होते हैं। तो मेगास्पोर्स का आमाप लघु बीजाणुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो बेटा प्रत्येक स्पोरेंजियम मतलब बीजाणुधानी एक पर्ण सदस्य संरचना है जिसे स्पोरोफिल कहते हैं, बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो प्रत्येक स्पोरेंजियम के पर्ण सदस्य संरचना जिसे बीजाणु पर्ण कहते हैं के कक्ष में विकसित होती है। बीजाणु पर्ण स्पोरोफिल की संरचना फोलियस लीफ के समान होती है। लघु बीजाणुधानी व गुरु बीजाणुधानी धारण करने वाले बीजाणु पर्ण माइक्रोस्पोरोफिल व मेगास्पोरोफिल कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं स्ट्रोबाइलस और कोन सिलैजिला के स्ट्रोबाइलस के बारे में या शंकु के बारे में। तो अधिकांश जातियों में बीजाणु पर्ण मुख्य अथवा पार्श्व शाखाओं के शीर्ष पर एकत्रित होकर एक सघन संरचना बनाते हैं जिसे स्ट्रोबाइलस अथवा शंकु कहते हैं। तो स्ट्रोबाइलस के निर्माण के पश्चात शाखा की कायिक वृद्धि समाप्त हो जाती है, परंतु सिलैजिनेला कस्पिडेटा व सिलैजिनेला पेट्यूला में स्ट्रोबाइलस युक्त शाखाओं की कायिक वृद्धि स्ट्रोबाइलस के निर्माण के पश्चात होती रहती है। इसी प्रकार इन जातियों में बीजाणु पर्ण व सामान्य पर्णों के एकांतर खंड पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम इन स्ट्रोबाइलस। तो अधिकांश जातियों में लघु बीजाणु धानिया और कैसे डिस्कनेक्ट हो गए अभी गरिमा और ये तो बच्चे हुए हैं और कैसे हो जाते हैं डिस्कनेक्ट, है ना? आप लोग तो हो जाते हो बेटा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। बात करते हैं किसकी बात कर रही थी मैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया इन स्ट्रोबाइलस। इसके बाद एंड कर देंगे मीटिंग को। अधिकांश जातियों में लघु बीजाणुधानिया व गुरु बीजाणुधानिया एक ही स्ट्रोबाइलस में पाई जाती हैं, परंतु सिलैजिनेला ग्रैसिलिस तथा सिलैजिनेला एट्रोविरिडिस में लघु बीजाणुधानिया व गुरु बीजाणुधानिया
अलग अलग स्ट्रोबाइलस में पाई जाती हैं। दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों को एक स्ट्रोबाइलस में धारण करने वाली जातियों में लघु एवं गुरु बीजाणुधानियों की परस्पर स्थितियों में भिन्नता